अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी पर एक्शन लेते हुए मुंबई के 20 ठिकानों पर छापा मारा है। ये 20 ठिकाने दाऊद के शार्प शूटर्स, तस्करों, डी कंपनी के रिटेल स्टेट मैनेजर से जुड़े हैं। इसके अलावा कई हवाला ऑपरेटर्स पर भी छापेमारी हुई है। एनआईए ने मुंबई के नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांता क्रूज, मुंब्रा, भिंडी बाजार में छापेमारी की कार्रवाई की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसे लेकर अब जांच और छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले की जांच गृह मंत्रालय ने फरवरी 2022 में एनआईए को सौंपी थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आतंक पर जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। इससे पहले तक ईडी दाऊद से जुड़े मामलों की जांच कर रही थी। गृह मंत्रालय के मुताबिक डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम भारत में टेरर फंडिंग, नार्को टेरर, ड्रग्स स्मगलिंग और फेक करेंसी का व्यापार कर आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दाऊद इब्राहिम और इसकी डी कंपनी लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अलकायदा के जरिए भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी पर संयुक्त राष्ट्र ने भी बैन लगाते हुए इसे आतंकी संगठन की श्रेणी में रखा है। दाऊद इब्राहिम 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों का मुख्य आरोपी है, जिसे 2003 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। दाऊद फिलहाल पाकिस्तान में रह रहा है और उस पर $25 मिलियन का इनाम है। हालांकि पाकिस्तान सरकार लगातार इसे नकारती रही है कि दाऊद ने पाकिस्तान में शरण ले रखी है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उसके गिरोह का इस्तेमाल करके मुंबई को दहलाया था और बदले में दाऊद को कराची में शरण दी थी। 12 मार्च 1993 की काली तारीख मुंबई कभी नहीं भूल सकती। इस दिन ही एक के बाद एक 13 बम धमाकों ने शहर को दहलाया था, जिसमें 257 लोगों की जान गई थी, 750 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। NIA सिर्फ दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी के आतंकी गतिविधियों की जांच नहीं करेगी, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन के गुर्गे छोटा शकील, जावेद चिकना, टाइगर मेनन, इकबाल मिर्ची, दाऊद की बहन हसीना पार्कर से जुड़ी आतंकी गतिविधियों की जांच भी करेगी। ये वही केस है जिसमें ईडी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने 13 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में नवाब मलिक के खिलाफ मामले में 5000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था, तो वहीं दूसरी ओर NCP नेता नवाब मलिक ने अपने ऊपर सभी आरोपों से इनकार किया है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।